So friends, welcome to News TV. Today we are here in Ulhasnagar, which is under Thane district. और आज हमारे साथ हैं Mrs. Jyoti Kalani, the sitting MLA from NCP party of Ulhasnagar. प्यार से इज्जत के साथ इन्हें ज्योति भाभी कहते हैं सब लोग इनसे. चलिए आइए पूछते हैं ज्योति भाभी से अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ Ulhasnagar. What she has got plans, what plans she has in her mind to develop Ulhasnagar. Ulhasnagar doesn't require any official introduction because ना ही इंडिया में, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है बिकॉज ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी. द बिजनेस जो यहाँ पे फ्लोरिश होता है उसकी वजह से उल्हासनगर ने जो नाम कमाया, नॉट ओनली इन उल्हासनगर बट अक्रॉस द वर्ल्ड. ज्योति जी, वेलकम टू अवर शो, दिस इज न्यूज़ टीवी. कुछ सवाल हैं. पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि आपको बधाई दें कि आप MLA चुन के आई हैं NCP पार्टी से. पॉलिटिकल कैरियर तो आपका बहुत ही पुराना है. आपने अपना पॉलिटिकल कैरियर कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में अगर थोड़ा बता सकते हैं आप. जब से 33% रिजर्वेशन हुई महिलाओं की जी, तो रिजर्वेशन के अंडर जो महिलाओं के मतलब रिजर्वेशन के अंडर मुझे भी लड़ना पड़ा चुनाव में. पहली बार 90 में चुनाव पहली बार लड़ी थी और जीती थी एज अ कारपोरेटर करके. उसके बाद में राजनीति में मेरा पहला कदम वो था और उसके बाद में मैं म्यूनसिपल की दो बार प्रेसिडेंट बनी और चेयरपर्सन बनी म्यूनसिपल की. फिर मैं कम से कम 12 साल तक स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन रही और उसके बाद में मैं मेयर बनी जी. उसके बाद में फिर मैं अभी एज आमदार आपके सामने हूँ. काफ़ी लंबा कैरियर आपका पॉलिटिकल कैरियर है और काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट आपने होल्ड की हैं. बट नेचुरल आपका एक्सपीरियंस तो लाजवाब होगा ही. उल्हासनगर के बारे में आपने क्या सोच के रखा आफ्टर यू हैव बीन इलेक्टेड एज अ MLA? इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं थोड़ा सा पुअर लग रहा है, रोड्स अभी भी नैरो कंजेस्टेड हैं. बिजनेस वाइज उल्हासनगर ने बहुत नाम कमाया है, नो डाउट अबाउट दैट. यहाँ का जीन्स फैक्ट्री, फर्नीचर, वॉट एवर इट इज़, काफ़ी एक्सपोर्ट होता है उल्हासनगर से. लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा रोड्स अभी भी नैरो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रॉब्लम है. वाटर का, पानी के बारे में आप बताइए. इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिसिटी जो है, लोड शेडिंग है कि नहीं? सबसे पहले थोड़ा उल्हासनगर के बैक में अगर जाएं हम लोग तो सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि उल्हासनगर एज अ मिलिट्री कैंप, यहाँ पे जब रिफ्यूजी बन करके माइग्रेटेड पर्सन हम लोग यहाँ पे आए थे एज अ रिफ्यूजीज, और तब 40,000 थे और आज की तारीख में 8 to 10 lakh जो है पॉपुलेशन है. तो जाहिर है, हाँ जाहिर है कि इतनी छोटे डायस में 13.5 किलोमीटर की एरिया में जहाँ 40,000 लोग थे बसते थे, आज 10 लाख लोग बसते हैं. तो जाहिर है कि सरकार ने एक्सपांशन कुछ किया नहीं, ज़मीन का डायस बढ़ाया नहीं, नगर पालिका को महानगर पालिका बनाया ऑल ऑफ सडन. क्योंकि जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, बाद में थोड़े टाइम के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने आते ही, मैं म्यूनसिपल प्रेसिडेंट थी उस वक्त में, मैं वापिस से घर आई तो टीवी पे सुना कि ये सस्पेंड कर दिया गया. तो ऐसे ऑल ऑफ सडन नगर पालिका को सस्पेंड करके कॉरपोरेशन का दर्जा दिया गया, पर वो किसी भी हिसाब से ड्यू नहीं है एज अ कॉरपोरेशन. अपनी MIDC नहीं है, रोड रास्ते नहीं है, डेंसिटी नहीं है कुछ किसी भी एंगल से, और हम लोगों को कोई भी मतलब डायस भी बड़ा नहीं है. इवन जो पास में पहले पप्पू कालानी ने 4 गांव लेकर रखे थे कि हमारा जो ये बिजनेस हब है, एक मिनी जापान करके इसको बोलते हैं, तो हम अपनी इंडस्ट्री उस तरफ में शिफ्ट करके यहाँ को टोटली रेजिडेंशियल करेंगे. तो सरकार ने, बीजेपी सरकार ने वो भी हम लोगों से छीन ली थी उस वक्त में. तो ऐसी हालतों में कॉरपोरेशन बनी और एज इट इज़ वेयर इट इज़ हम लोगों को यहाँ रहना पड़ा. तो एक बड़ा ये जो है डिफॉल्ट है हमारी यहाँ पे जो है वही रीज़न है, क्योंकि डाइस बड़ा नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है, लोग उतने ही बढ़ते जा रहे हैं और शहर उतना ही है. तो इसकी वजह से रोड रास्ते हमारे जो पहले के ही हैं बहुत कंजस्टेड हैं और पानी की भी बहुत असुविधा है, पर बदनसीब भी है, वाटर शॉर्टेज है बहुत है. अभी वाटर शॉर्टेज इतनी है कि मैं अभी विधान भवन में बॉम्बे में जो अधिवेशन था उसमें मैं सीढ़ियों पे बैठ कर के अपनी पार्टी के MLAs के साथ में मैं अपने शहर के लिए सीढ़ियों पे एज अ मना धरना दिया था मैंने. हाँ, सीढ़ी पे बैठना पड़ा मुझे ध्यान दिलाने के लिए कि मेरी ऐसी हालत है कि मुझे मजबूरी में ये करना पड़ रहा है. तो बोलने का मतलब है, जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी रिसेंटली, अभी मेरे ख्याल से, हाँ अभी
10 तारीख को ख़त्म हुआ, मेरे ख्याल से 8 तारीख को मैंने प्रोटेस्ट किया था। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का ध्यान केंद्रित करने के लिए कि हमारी, मैंने मीटिंग में उनको इतना भी बोला कि ऐसे समझ लीजिए कि उल्लासनगर ICU में पड़ा है। ओके। पानी के लिए उनको इमीडिएट रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है, पर आज दिन तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, कोई रिलीफ मिला नहीं है। हम लोगों ने बहुत हर मुमकिन, हर फ्रंट पे, हर एंगल पे, शहर का आप मेरे को मुद्दा बताइए तो मैं आपको बोलूं कि मैं वहाँ लेकर गई हूँ। मैं बहुत अलर्ट हूँ अपने शहर के लिए और मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मैं करूँगी भी। पर हमारे शहर का जो व्यवस्था है वो ऐसी है, कंजेस्टेड शहर है, इसमें अभी 265 करोड़ की एक जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन का जो स्कीम था उसके तहत वाटर सप्लाई के काम चालू हुए हैं, पर वो काम अब तक भी पूरे नहीं हुए हैं। और हमारा जो मेन जो यहाँ प्रॉब्लम है उल्लासनगर में कि सक्षम जो एक कमिश्नर आना चाहिए, IAS लेवल का कमिश्नर आना चाहिए, वो नहीं भेज रही है सरकार, और सक्षम लेवल के कमिश्नर नहीं है। अच्छे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है, पर उनका कुछ कंट्रोल रहता नहीं है। अब पानी की इतनी तकलीफ है और इसमें 50% डिलीबरेबिलिटी है, ऐसे नहीं है कि रियल, मतलब है रियल भी, पर डेलीबरेटली जो पानी के जो वाल घुमाने वाले हैं, अच्छा। एक का वाल दूसरे में घुमाएंगे, दूसरे का तीसरे में, जो बाहुबली नगर सेवक होगा वो प्लेट डाल देगा दूसरे वार्ड में पानी। तो ये जो महानगर पालिका है वो अपना काम बिल्कुल करने के लायक नहीं रही है। डेलीबरेट करने से उनका फायदा क्या होगा? टैंकर्स लाभी है ना टैंकर्स आप द रिकॉर्ड 2000 में 1500 में बिल्डिंगों को जो महानगर पालिका का रेट मेरे ख्याल से अभी 500 किया है वो 2000 में बिकते हैं। टैंकर लॉबी है, वो लॉबी जिसको चाहे वो, मतलब यहाँ उल्लासनगर की हालत है, पब्लिक आवाज़ नहीं उठा रही है। तो पब्लिक बहुत आवाज़ उठाती है, बहुत अप्लाई नो रिप्लाई। ओके। बहुत आवाज़ उठाती है पब्लिक। अभी भी मैं घर से आई तो डेलीगेशन मेरे घर के नीचे, जबकि ऑफिस ये 24 आवर्स की है मेरी, ये आमदार ऑफिस, हम लोगों ने 20 के जनता की सुविधाओं के लिए, उनकी तकलीफ के निवारण के लिए, पर उसके बावजूद भी घर पे भी जब तक मैं निकलूँ घर पे भी पानी की भयंकर समस्या है, पर कुछ उसका हल नहीं निकलता है। जबकि अपने पे आए तो हल निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ नेगलिजेंसी सबकी, भ्रष्टाचार का अड्डा महानगर पालिका बन गई है। आप DP देखेंगे तो DP में पूरा भ्रष्टाचार, यहाँ के जितने भी रिजर्व प्लाट थे वो पूरे गुम कर दिए। यहाँ पे एक ग्रुप है जो टेंडर भी वही लेने हैं, शहर का बड़ा बड़ा जो भी काम है वो भी उनको लेना है, शहर की जितनी ज़मीनें हैं सब उनके हाथ में है। DP बनाया, हमने बहुत चिल्लाए, पूरे शहर ने आवाज़ की, एक चैनल बना करके, हैंड टू हैंड बना करके पूरे शहर में करीब करीब 2 लाख लोग रोड पे, एक नंबर से लेके 5 नंबर तक लाखों लोग चेन बना करके अब विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद में मोमबत्तियाँ अपने दुकानों घरों के बाहर जला के DP का विरोध प्रदर्शन किया। ये सब पप्पू कालानी अपने शहर के लिए करते थे, इसलिए आज वो भी तकलीफ में हैं। पर उसके बाद में भी कुछ भी नहीं, DP में पास होकर के मेजॉरिटी से चला गया, और अब तक मैं UD डिपार्टमेंट से, ये नए CM हमारे उनसे अभी भी मेरी लड़ाई झगड़ा चालू है, करेस्पॉन्डेंट चालू है कि ये जो DP बनाया है कुछ भू माफियाओं ने अपने फायदे के लिए बनाया है, इसको रिजेक्ट करके और शहर के लिए एक DP अच्छा बनाया जाए, ये मेरी डिमांड है। अभी DP जो आप प्रोटेस्ट कर रही हैं वो उसकी कंसीडरेशन में है जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो? पास तो हो चुका है, रिवर्स होने के चांसेस हैं? नहीं, पास तो यहाँ से होकर गया ना, अब गवर्नमेंट के पास, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मैं दो मीटिंग UD डिपार्टमेंट से कर चुकी हूँ, ये CM से मैंने बहुत पत्र व्यवहार किया है और अभी भी टाइम मांगा है। CP की हैं और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है BJP की, तो इसकी वजह से कहीं कुछ रुकावट हो रही है डेवलपमेंट में बिकॉज ऑपोजिट पार्टीज हैं? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं है ऐसा। काम करने वाले को अगर अपनी लगन है, चाह है, अपनी कैपेबिलिटी है तो कोई दिक्कत आती नहीं है। ये गवर्नमेंट तो हाउस इसके लिए साल में 4 बार चलता है कि हम अपनी आवाज़ वहाँ बुलंद कर सकें और हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं हर एक बात में, हमें सब अधिकार हैं। और मुझे ऐसा अब तक लगता नहीं है कि ऐसा कुछ मेरे को फील नहीं हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है, जबकि मैंने हर सब्जेक्ट शहर का मैं हाउस में लेकर गई हूँ, असेंबली में लेकर गई हूँ, मैंने ढेर सारे असेंबली के क्वेश्चन डाले हैं, लक्ष्य वेदियाँ डाली हैं और भी सब हर मुमकिन कोशिश की है,
उसके बावजूद मैं औचित्य का मुद्दा एक आता है जो हम स्पीकर के पास जा करके इमरजेंसी दिखा करके बात करते हैं, वहाँ तक भी मैं चली जाती हूँ। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं रिज़ल्ट दूँगी ज़रूर जी। बाकी ये FSI के बारे में, ये जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जैसे नवी मुंबई में FSI बढ़ाने की काफ़ी बातें, हद तक क्लियरेंस मिल चुका है, बहुत सारे पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो सिटको की बनी हुई है, आई एम टॉकिंग अबाउट नवी मुंबई, तो रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ प्लान है कि उल्लासनगर में FSI बढ़ाई जाए? जो इरेगुलर बिल्डिंग्स थी उनको तो रेगुलराइजेशन कर दिया गया था, अभी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको रीडेवलपमेंट के बारे में आपका एक्शन प्लान कुछ? जी जी बिल्कुल है, मैंने अभी LAQ भी डाला था, लक्ष्यवेदी भी डाली थी, औचित्या के मुद्दे में भी डाल के मैंने इस सब्जेक्ट पे बात की कि उल्लासनगर में, मैंने हिस्ट्री इन शॉर्ट बताई कि उल्लासनगर का क्या पोजीशन है, और उसके बाद में आज की तकलीफ हमारी जो बिल्डिंगें हैं, 17 बिल्डिंगें हैं जो गिर चुकी हैं, जो लोग भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, 325 बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनको नोटिस डेंजर करके दिया गया है, तो हमने भी रिहेबिलिटेशन के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए और FSI बढ़ाई जाए, 4 FSI चार डिमांड की है। फिर मैंने अभी हाउस में जो जब बात की, मैंने जब हाउस में भी मैंने ये बात किया मुद्दा, तो मैंने बोला ठीक है 4 डिमांड किया है, अगर बाकी जगहों को आप 2.5 दे रहे हैं तो हमको 2.5 दीजिए, कम से कम कुछ ना कुछ डिसाइड करके एकदम इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए, ऐसी डिमांड भी मैंने की है और हाउस में मैंने बात भी की है। लेकिन है कुछ, आपको लग रहा है कुछ स्कोप है, चांसेस हैं उसमें आपका क्लियरेंस मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, मुझे अभी मेरे ऐसे जो 10-12 मुद्दे जो हैं शहर के लेवल के मैंने लिए थे वो स्वीकृत हो गए हैं, गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स को भेजे हैं, तो 30 अप्रैल तक उनका रिपोर्ट मांगा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 30 तक पूरी जो रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद में गवर्नमेंट इमीडिएटली हमें बुलाएगी, मीटिंग करेगी और कुछ ना कुछ उसका डिसीशन देंगे। लेकिन रोड्स का क्या करेंगे मैडम? रोड्स बहुत कंजेस्टेड हैं, आपके रोड्स के लग के ही काफ़ी शॉप्स हैं, आर यू गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम द शॉप ओनर्स, वो अपना शॉप तोड़ने के लिए रेडी हैं? देखिए जहाँ तक रोड्स का सवाल है तो जो मेन जो रोड है, जो कल्याण अंबरनाथ वाला रोड है जिसका अभी प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोगों ने कोशिश की वो एज़ पर DP 100 फीट रोड होना चाहिए और वो नेशनल हाईवे बन रहा है तो 100 फीट होना चाहिए। हमने अपने समय में पहले बहुत कोशिश की कि इसको 80 फीट किया जाए ताकि लोगों के कुछ दुकानें बचे, वो इसलिए क्योंकि यही मार्केट वाले जो हैं पहले 3 बार कटिंग दे चुके हैं, पहले कटिंग 3 बार दे चुके हैं, पहले कोऑपरेट कर चुके हैं और उसके बाद में फिर अभी अगर लास्ट में ऐसे होता है कि 100 फीट कंपलसरी होना है, लास्ट में गवर्नमेंट ने ऐसे ही डिसीशन दिया जब पालक मंत्री थे गणेश नायक साहब, तो उन्होंने मंत्रालय में मीटिंग बुलाई थी, मैं सभी यहाँ के व्यापारियों को लेकर गई थी, तो उन्होंने डिसीशन दिया कि ये 80 फीट नहीं होगा, जबकि हमने जनरल बॉडी में पास भी करके भेजा है, आल पार्टीज ने पास किया है, पर उसके बावजूद भी नेशनल हाईवे करके इसको 100 फीट ही रखा जाएगा। पर अब सवाल आता है कि वहाँ पे जो दुकानदार हैं, कम से कम 1000 दुकानदार हैं, उसमें से 200-300 दुकान ऐसे हैं जिनको बहुत भारी नुकसान हो रहा है, तो अब हम उनको कंपनसेट करेंगे हम इन द सेंस सभी उल्लासनगर वाले सभी पार्टियां मिल करके, पर अब सवाल है कि 6 बिल्डिंगें भी बीच में आ रही हैं, उसमें कुछ ऐसे दुकान हैं जिनकी 100% जा रहे हैं, तो वो लोग बहुत परेशान हैं, पर उनको भी हम बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी एक बिजनेस हब बना करके उनको भी देंगे, कोई नुकसान उनको बिजनेस को भी नहीं हो, और बाकी जिनके थोड़ा थोड़ा जा रहा है जिनका तो 5-10 फुट जा रहे हैं तो उनको हम ऐसे करेंगे कि FSI बढ़ा के देंगे और आप ऊपर अपना वो ले लो, और बाकी जिनका टोटल जा रहा है उनको हम अच्छी तरह से सेटल करेंगे, ऐसे हमारी कोशिश चालू है, सभी पार्टियां मिलकर के हम करेंगे। पर अब सवाल आ रहा है कि वो रोड पे 6 बिल्डिंगें हैं ऐसी, 6 बिल्डिंगें हैं जो 20-20 फुट जा रही हैं, तो अब वो काफ़ी परेशानी है क्योंकि उसको कैसे मतलब डिमोलिश कर नहीं सकते हैं पूरी बिल्डिंग, रिहैबिलिटेट करने में ही आपको बहुत परेशानी है, कम से कम 30-40 फ्लैट्स होंगे, अपने दुकानें हैं नीचे कमर्शियल है ऊपर रेजिडेंशियल है, तो उसमें हमें तकलीफ आ रही है, अभी उसके लिए हम सरकार के पास जाएंगे, एक मीटिंग रखेंगे कि उसका क्या करना चाहिए, बाकी ओवरऑल तो कंजेस्टेड शहर तो है ही हमारा। आपने बताया कंजेशन इसलिए है बिकॉज ये रिफ्यूजी कैंप था बहुत साल पहले, इसके बाद पॉपुलेशन बढ़ती गई, पहले उल्लासनगर को एक सिंधी पॉपुलेशन थी, सिंधी टाउन के नाम से माना जाता था, बट टुडे इट हैज़ बिकम अ कॉस्मोपॉलिटन, अपार्ट फ्रॉम सिंधी कम्युनिटी काफ़ी अच्छी दूसरी कम्युनिटीज़ आ गई हैं जिन्होंने मिलकर उल्लासनगर को डेवलप करने में मदद की,
मिलजुल के रहते हैं, कोई राइट्स नहीं होते हैं, टच वुड कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. उल्लासनगर इज एक्चुअली हैज बिकम अ कॉस्मोपोलिटन नाउ. अर्लियर इट वॉज अ बिजनेस हब, काफ़ी चीज़ें जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी, जीन्स मार्केट आपका, कपड़ा मार्केट, फर्नीचर मार्केट, देन आपके सिंधी पापड़ और सिंधी ईटेबल आइटम्स हैं जो नॉट ओनली इन महाराष्ट्र एंड इंडिया, बट जब मैं दुबई चला गया था तो वहाँ पे चोइथराम करके एक सुपर मार्केट है, वहाँ से पता चला कि उल्लासनगर की चीज़ें जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें हैं, सिंधी ईटेबल्स हैं, वहाँ पर एक्सपोर्ट होती हैं, तो एक प्राउड फील होता है हम लोगों को. ना सिर्फ इतना पर दूध सागर की मिठाइयाँ आप देखेंगे तो वो भी कहाँ कहाँ पे जाती हैं. और ये हकीकत है कि बिज़नेस हब था नहीं, अब भी है, अभी भी है, अभी भी है, बिज़नेस हब है. और यहाँ पे लेबर जो है, लेबर क्लास के लोग माइग्रेट करके बहुत सारे आए हुए हैं. मुस्लिम कम्युनिटी है, बंगाली कम्युनिटी है, यूपी के हैं, तो इसलिए पॉपुलेशन यहाँ की बहुत बढ़ गई है और ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गया है, नो डाउट. पर जो यहाँ का बिज़नेस है वो आज भी थ्रू आउट इंडिया बोलेंगे या बाहर भी, फॉरेन में भी, मैं आपको ऐसी ऐसी जगहें दिखाऊं जहां कच्ची के चीज़ें बनती हैं तो उनके पास लेबल देखेंगे तो बाहर के फॉरेन के पड़े हैं, वो जॉब वर्क पे काम करते हैं, वो ऐसी ऐसी क्वालिटी बनाते हैं. उल्लासनगर एज अ यूएसए करके भी मशहूर है, हमें फ़ख्र है इस बात पर, मुझे अच्छा लगता है, गर्व है कि हमें इतनी मतलब कैपेसिटी है कि हम कोई भी चीज़ नाम से. पहले थोड़ा सा ऐसे नेगेटिवली बताया जाता था कि नकली चीज़ें बनती हैं, हालांकि धीरे धीरे पब्लिक की समझ में आ गया कि नकली चीज़ें नहीं, यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटी नहीं, हमने अपोज किया और उनको अपोज किया, उनको बोला शहर में घुसने नहीं देंगे, अगर हमारे शहर में आके तो हम कमाएंगे भी और बदनामी करके जाएंगे तो घुसने नहीं देंगे शहर में, क्योंकि हम जो है वो डुप्लीकेट चीज़ बना सकते हैं, ये हमारी स्किल है, हम इतना कर सकते हैं, हम उसको ओरिजिनल करके बेचते नहीं हैं, ये हमारा बिजनेस नहीं है. तो इसलिए हम लोगों ने उनको काफ़ी अपोज किया और उनको बोल दिया कि आपको यहाँ से भगा देंगे अगर हमारे उल्लासनगर में पैर रखेंगे तो, बदनामी नहीं करना. और बाकी तो हमारा बिजनेस अब तो है ही है यहाँ पर. मैं जब 855 बिल्डिंगों का जब इशू हुआ था, गवर्नमेंट ने हमारे लैंडमार्क डिसीजन दिया हमारे शहर के लिए एज अ रिफ्यूजी करके एक अच्छा डिसीजन दिया, उस वक्त में जब हम अप डाउन करते थे गवर्नमेंट के पास तो मैं ये सब बातें बताती थी कि हम सेल्फ मेड लोग हैं, हम लोग हाँ हम लोगों ने खुद अपना बनाया है, जी सेल्फ मेड लोग हैं. तो हमारे शहर में 100 रुपये की जीन्स भी मिलती है. राजेश टोपे साहब थे यूडी मिनिस्टर उस वक्त में, वो बोलते थे कि जब मैं आऊँगा तो आपको दिखाना पड़ेगा मेरे को. और जहाँ भी मीटिंग में जाएंगे हैरान होते थे कि इसके शहर में 100 रुपये की जीन्स मिलती है. तो मैं बड़े बड़े शोरूम में, तो मैं जब आए थे तो मैं उनको वो फैक्ट्रीज दिखाने भी गई थी. तो बोलने का मतलब है कि गाउन बाज़ार है, कन्फेक्शनरी है, बिस्किट्स हैं और फर्नीचर है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बनती हैं और बाहर जाती हैं. इस बात पे हमें फ़ख्र है कि बिज़नेस हब है, पर सहूलियतें इतनी नहीं हैं. जीन्स बाज़ार है, इतनी इंडस्ट्री है जीन्स की, पर हम उनको तकलीफ़ें हैं बहुत सारी. पानी की तकलीफ़ है, फिर उनके जो इलेक्ट्रिसिटी का, फिर वॉश करते हैं तो उनका आए दिन उनको प्रॉब्लम होते रहते हैं, फिर ब्लैकमेलर ब्लैक भी करते हैं कि तुम्हारा कंप्लेंट करेंगे, फिर उनसे हफ्ता बांध के लेना ये वो. उनके साथ भी इंडस्ट्री है हमारी, पर तकलीफ़ें भी उनको भी बहुत हैं. तो बोलने का मतलब है कि इनका समाधान गवर्नमेंट को निकालना चाहिए. अब मैं गवर्नमेंट के पास एक रख रही हूँ, मेरे मन में काफ़ी दिनों से है कि मेड इन महाराष्ट्र, मेड इन इंडिया जैसे बोलते हैं ना, एक मेड इन महाराष्ट्र की हम थीम बना करके गवर्नमेंट के सामने रखें और उनको वैसी फैसिलिटीज मिले, हमारा बिजनेस बढ़े, हमारा व्यापार बढ़े, लोग डर के जिए नहीं, ब्लैकमेलरों के अंडर नहीं जिए. ये आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है, दिस इज समथिंग वेरी न्यू कि मोदी साहब बोल रहे हैं कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आप कह रहे हैं मेक इन महाराष्ट्र, तो इसमें पूरे महाराष्ट्र की डेवलपमेंट होगी. एंड लेकिन महाराष्ट्र में उल्लासनगर को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ ही बनती हैं जो महाराष्ट्र में. ज्योति जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, नॉट ओनली अबाउट उल्लासनगर बट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर महाराष्ट्र. इन सब से थोड़ा सा अलग हट के कुछ टॉपिक्स हैं, आजकल की यंगस्टर्स की लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, जो हम काफ़ी पॉलिटिशियन से, बड़े बड़े लोगों से पूछते हैं. आपका क्या मैसेज है यंगस्टर्स के लिए? एक तो टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंक एंड ड्राइव, ये बहुत सेंसिटिव मैटर्स हैं. यंगस्टर्स के पास पावर अच्छा है, दिमाग अच्छा है, दे ऑल आर स्मार्ट एक्चुअली, कंप्यूटर सेवी है, कंप्यूटर में मास्टर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ यंगस्टर्स, सभी नहीं, थोड़े से भटक जाते हैं. सिगरेट पीना 16 साल की उम्र से, 17 साल की उम्र से कॉलेजेस में सिगरेट, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
एक्चुअली थोड़े दिन पहले मुझे बुलाया गया था, हमारे यंगस्टर्स ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था। ओके, बहुत अच्छा लगा। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत होती है, हर जगह पे हर चीज़ मिलती है ऑनलाइन। तो हमारे उल्हासनगर में जो इतने सारे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं उनको भी ऑनलाइन किया जाए, ये यंगस्टर्स की एक सोच थी और उनकी थीम थी जो काम कर रही है। अच्छी सोच है, बहुत काफ़ी अच्छी सोच है। ऐसे यंगस्टर्स भी हैं हमारे इधर। पर जो आपने बोला कि आज शहर का जो प्रॉब्लम है, जहाँ भी जाते हैं तो यंगस्टर जो हैं वो मोटर बाइक लेकर के बहुत जूं जूं की आवाज़ में पूरे चक्कर काटते रहते हैं, लोगों को परेशान करेंगे, आने जाने वालों को परेशान करना रेजिडेंशियल एरिया में, तो ये परेशानी है। ये सब्जेक्ट को मैं अभी हाथ में लेने वाली हूँ। मुझे कंप्लेन बहुत आई है, पुलिस से बैठ कर के मीटिंग करके और अपना ट्रैफिक वालों से भी मीटिंग करके इस इशू को हम लोग लेने वाले हैं, जो रियल प्रॉब्लम है इस शहर का। बाकी जो तंबाकू और गुटखा, उसके लिए भी मैं टोटली अगेंस्ट हमेशा रहती हूँ। और मैंने हर इसमें विंटर सेशन में भी मैंने आवाज़ उठाई थी, उसमें भी मैंने एलएक्यू डाला था, अभी भी मैंने एलएक्यू डाला कि यहाँ पे जो है टोबैको है, तंबाकू है, पान गुटखा मसाला वगैरह उनका जो व्यापार होता है, सरकार भले उनके ऊपर मतलब लागू करती है बंद करने का, पर उसके बावजूद भी डबल रेट पे बिकते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी पुलिस का, अब मैंने सोचा है कि ये भी इशू पुलिस के साथ बैठ करके कि टोटली आए दिन यहाँ पे आजकल छापे पुलिस डालती है, और हमारे जॉइंट कमिश्नर लक्ष्मी नारायण साहब हैं, उन्होंने एक दो बार यहाँ पे जो साइबर कैफे और ऐसे गुटखा और इनके गोडाउंस पे हज़ारों करोड़ों रुपयों का गुटखा जो है जब्त भी किया है, और साइबर कैफे भी बंद कराए हैं। बहुत अच्छी सोच है। और मुझे जब ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो मैं बोलती हूँ आप जॉइंट कमिश्नर जो है उनके पास जाओ, वो भी रिजल्ट देंगे। और मैंने भी ऐसे सोच के रखा है कि गुटखा तम्बाकू जो है यहाँ पे बच्चों की ज़िंदगी लाइफ चली जाती है, लाइफ चली जाती है। अपनी एज में बच्चे सोचते नहीं हैं, पर हमारा बड़ों का काम है ये सोचना, और ये इमीडिएटली व्यापार यहाँ का बंद होना चाहिए। बड़े बुज़ुर्ग जो हैं सीनियर सिटीज़न, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मिलती हूँ, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। बड़ों को रिस्पेक्ट करना और प्यार से उनसे पेश आना, अपने बड़ों को अपने घर में रखना, मैं जहाँ भी जाती हूँ ऐसी सीख सबको देती हूँ। और मेरे भाषण में ये बातें होती हैं कि जो आप बच्चे हैं यंगस्टर हैं वो अपने बड़ों की प्यार करो, उनकी कदर करो, अमानत है, वो धरोहर है हमारी। ऐसे करके मैं कोशिश काफ़ी करती रहती हूँ, और मेरे मन की तमन्ना यही है कि हमारे बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, और ये सब बातें जो हैं गलत छोड़ दें। मोटरसाइकिल बहुत ज़ोरों से चलाना, लोगों को थोड़ा बैलेंस कर लें, मतलब सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग एंड मतलब अपना पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान होता है। ये जो चीज़ें हैं अच्छी हैं, लेकिन कुछ लेवल तक अगर करें तो अच्छी हैं, लेकिन टू मच ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, सारा दिन व्हाट्सएप पे बैठना, कंप्यूटर मोबाइल पे ओवर यूज़ करना, उससे आँखें भी ख़राब होती हैं, पढ़ाई से ध्यान भी भटकता है। जी, ये हमारी हमेशा कोशिश रही है कि बच्चे अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। वैसे उल्हासनगर में देखा जाए तो लड़कियों की रिजल्ट अच्छी होती है, बेटर। वैसे भी माना जाता है कि लड़कियां सिंसियर ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली बॉयज से। बिल्कुल, महात्मा गांधी जी ने कहा है ना कि अगर कोई काम कहना है तो आप पुरुषों को कहिए, और कराना है करना है तो महिलाओं को लेडीज़ को कहिए। लेडीज़ एक रिस्पांसिबिलिटी अपनी फील करती हैं, और आज उल्हासनगर का भी सौभाग्य है कि हर डिपार्टमेंट में सभी लेडीज़ हैं, वार्ड कमेटियाँ। सबसे बड़ी बात तो है कि आप बीइंग अ वूमेन, बीइंग अ हाउसवाइफ, आपने जैसे बताया कि मेयर रह चुकी हैं, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन रह चुकी है, अभी नाउ यू आर सिटिंग एमएलए, पॉलिटिकल करियर, घर संभालना, फिर बच्चों को परिवार को संभालना, दुख दर्द तो हर फैमिली में आते ही हैं, उसके बाद भी आप बीइंग अ वूमेन आपने प्रूव किया कि लेडीज़ पीछे हर हाल में है ही नहीं, कहीं कहीं भी तो मर्दों से आगे निकल गई हैं। जी, बिल्कुल सही है ये। और हम उम्मीद करते हैं कि उल्हासनगर में भी लड़कियां जो हैं वो काफ़ी आगे हैं और होशियार हैं, और ये छुट्टियों का भी टाइम है अभी, पर फिर भी थोड़ा वैकेशन पीरियड है, पर फिर भी जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, जो साइबर कैफ़े आजकल हुक्का पार्लर चले हुए हैं वहाँ पे जाते हैं, जो गलत आदतें हैं वो ना करके। मैं अपने वार्ड में पता है क्या करती हूँ, ये मई के महीने में चार मैं वार्ड लेती हूँ, और चारों में मैं फ्री समर कैंप लगाती हूँ। अच्छा, फ्री समर कैंप बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे कुछ जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर के समर कैंप,
5-5, 10-10 हज़ार रुपया फीस और प्लस आना जाना, तो मैं उनके लिए वार्डों में, समाज मंदिर हमारे हर एक वार्ड में होते हैं, तो मैं वार्डों में बच्चों के लिए समर कैंप अरेंज करती हूँ, उनको वहाँ पे एंटरटेनमेंट, डांस, गाना, सोशल काम है, मतलब एक ये मोटिवेशन है, एक मोटिवेशन है कि ये चीज़ भी हम एज अ नगर सेवक कर सकते हैं। वार्ड के कम से कम बहुत अच्छा रिस्पांस होता है उसमें। मैं क्या करती हूँ, 8 डेज़ की कैंप रखती हूँ, बहुत अच्छे, यहाँ जुम्बा का हमारा जो ऑफिशियल बहुत अच्छा हमारा टीचर है वो है, कराटे हैं और हर एक ड्राइंग और क्राफ्ट सब आइटम्स रखती हूँ। बाद में उनको फिर नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये अच्छी तरह एंटरटेन करके मैं खुद भी बैठती हूँ। उसके बाद में फिर मैं उनको सीमा रिसोर्ट पे अपनी गाड़ियों में लेकर जाती हूँ, पेरेंट्स को बुलाती हूँ, फिर म्यूज़िक कॉम्पिटिशन ये वो कुछ छोटे मोटे इनाम देना, तो उनको भी हमारा टच भी रहता है, बच्चों से भी टच रहता है, पेरेंट्स से भी, अपने वार्ड से भी, और अच्छा भी लगता है। सोशल काम और एंटरटेनमेंट। हाँ जी जी, मतलब हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये सब करते हैं कि ताकि वैकेशन के फ्री पीरियड में उनका डाइवर्ट नहीं हो और किधर। अच्छा मैडम, ये इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लीगलाइज द लिव इन रिलेशनशिप, मतलब एक लड़का लड़की बिना शादी किए हुए साथ में रह सकते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, ये इंडियन कल्चर के खिलाफ जा रहा है या इससे कुछ फ़ायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, बिना शादी किए हुए एक लड़का लड़की अगर साथ में रहते हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? हमारे हिंदू समाज में तो ये इजाज़त नहीं होती है। हम लोग अपने रिलीजन को, अपने घर को, हम लोग इमोशनली अटैच रहते हैं हिंदू लोग। आज देखिए हस्बैंड पे तकलीफ आ गई तो एक हिंदू औरत महासती अनसुया का रोल हम अदा करते हैं। हम हिंदू ऐसे लोग हैं तो मैं लिविंग रिलेशन के तो टोटली खिलाफ हूँ और ये सही बात नहीं है, सही बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, कमिंग बैक टू योर पॉलिटिकल साइड, काफ़ी सालों तक आपके हस्बैंड मिस्टर पप्पू कालानी ने नाम इज्जत प्यार कमाया, आपने नाम इज्जत प्यार कमाया उल्लासनगर में। पप्पू कालानी वॉज एंड मे बी स्टिल नाउ वॉज ट्रीटेड एज अ डेमी गॉड ऑफ उल्लासनगर, मतलब इतने पावरफुल हैं पप्पू कालानी और उनकी आप पूरी फैमिली, क्या बात थी कि बीच में कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया था पॉलिटिकली? पॉलिटिकली डाउनफॉल इसलिए आ गया क्योंकि उसके पहले शहर में हमारे ना पैसों से वोट नहीं जाते थे। पैसों का मतलब वो चलन यहाँ पे उल्लासनगर में नहीं था। जब पप्पू कालानी हारे थे उस समय में ऐसा था कि जो यहाँ के लैंड ग्रैबर हैं, भू माफिया हैं, जिन पे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ जायदाद इधर उधर की हड़प करके, तो देखिए पैसा वही चलाएगा जिसके पास एक्सेस पैसा होगा। हम हमारा शहर में पप्पू कालानी का वर्चस्व ऐसा है कि करप्शन हमारे पास नहीं है, भ्रष्टाचार हमारे पास बिल्कुल नहीं है। शहर का कोई आदमी आज, यही वजह है कि 2 बार पप्पू कालानी जेल में रहे, अब 3री बार जेल में हैं तो मैं चुन के आई हूँ, क्योंकि वो नहीं खड़े हुए मैं खड़ी हुई। तो ये जाहिर है कि उल्लासनगर का प्यार है, समर्थन है अभी उन लोगों का, अभी भी वो प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी पॉलिसी सिर्फ उल्लासनगर के लिए थी, हम अपने लिए जिए नहीं, सिर्फ शहर के लिए जिए, तो एक हमारा एक वो भी है। और पैसा उस वक्त में ऐसा मतलब था कि बहुत पैसा चला था, बहुत पैसा चलने के कारण पप्पू कालानी थोड़े वोटों से हार गए थे, और उसके बाद में एक बार पैसे का चलन चल गया तो वो रुकने का नाम होता नहीं है, तो इसकी वजह से डाउनफॉल, कोई पब्लिक परेशान थी या हम लोगों को नहीं चाहते थे ऐसा नहीं था, पर क्योंकि पैसा बहुत चला था उस वक्त में इसलिए मुझे ऐसे लगता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज मिसेस ज्योति कालानी, वाइफ ऑफ द ग्रेट लीडर मिस्टर पप्पू कालानी। शी इज़ करंट सिटिंग MLA बिलोंगिंग टू दी NCP पार्टी, उल्लासनगर को बिलोंग करती हैं। उल्लासनगर के डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की, इनका जो एक्शन प्लान है काफ़ी तारीफ़ काबिल है, अगर उनको उस एक्शन प्लान को जब एग्जीक्यूट हो जाएगा फुल, तो वी कैन सी अ न्यू फुल्ली डेवलप्ड उल्लासनगर। सो मैम, थैंक्स टॉकिंग टू अस, थैंक यू वेरी मच।